हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Vivo X70 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग को अपना यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे आपको करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा लॉक स्क्रीन शॉर्टकट। लॉक स्क्रीन शॉर्टकट के अंदर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो लेफ्ट शॉर्टकट और ये राइट शॉर्टकट। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं ये लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग होती क्या है, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसे यूज कैसे करना है। देखिए दोस्तों, लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग आपके ना मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पर आपको मिलती है। देखिए यहां पर लॉक स्क्रीन पर हम आ गए और सबसे नीचे आपको कैमरे का आइकन दिखाई दे रहा है, कैमरे का लेफ्ट में और फोन का आइकन राइट में, ठीक है। तो ये जो हमारे आइकन दिखाई देते हैं ना मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पर, हमारी लॉक स्क्रीन सेटिंग होती है, ठीक है। तो देखिए आप ये इस सेटिंग के अंदर अगर आप इसे लेफ्ट शॉर्टकट पे सिलेक्ट करेंगे तो इसमें आपको चार ऑप्शन मिलते हैं लेफ्ट शॉर्टकट में। इनमें से आप कोई सा भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पर वो वाला आइकन आपको दिखाई देगा जो आप यहां पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैं इसे कैमरे पे रहने देता हूं और इसे राइट में भी आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा भी, ठीक है। तो आप देखिए अब इसका यूज कैसे करना मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी आप अपने मोबाइल फोन की लॉक स्क्रीन पर होंगे ना इस तरीके से, तो आपको करना क्या है, कोई सा भी एक आइकन आपको है ना, आप दोनों ही कर सकते हैं वैसे यूज। तो मैं इसे कैमरे के आइकन पे उंगली से दबा के रखता हूं, इसे ऊपर की तरफ स्वाइप करूंगा ना ऐसे, देखिए तो इससे क्या होगा मेरा कैमरा ओपन हो जाता है, क्योंकि मैंने कैमरे के आइकन को उंगली से दबा के स्वाइप करा था। जिससे आप जो है ये कैमरा ओपन हो जाएगा, जिससे आप अपने फोटो या वीडियो को तुरंत आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है इस तरीके से काम करती है आपकी लॉक स्क्रीन शॉर्टकट सेटिंग। अब मैं आपको इस सेटिंग को ढूंढने का एक शॉर्टकट तरीका आपको बता देता हूं आपके फोन में। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ना फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है सर्च आइकन का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है लॉक स्क्रीन सेटिंग। तो आपको नीचे ये ऑप्शन शो हो जाएगा लॉक स्क्रीन सेटिंग का, इसे सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इस सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे तो इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।